फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गया था मेरे आँख स्पेशलिस्ट के पास जो आँख टेस्ट करवाने के लिए, थोड़ी सी खुजली जैसी आ रही थी आँख में। जब टेस्ट करने में मालूम पड़ा कि मेरे को राइट साइड का विजन में से कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि आप एक बार MRI कर लीजिए। तभी MRI करने के बाद पता चला कि मुझे पिट्यूटरी ट्यूमर है। मुझे सिम्स हॉस्पिटल के बारे में मालूम था, डॉक्टर TKB गणपति सर से हमने बात की। तो गिरिराज सोलंकी करके पेशेंट का जब फोन आया गोवा से, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट्स बताए और रिपोर्ट्स देख के हमको पता लगा कि उनके ब्रेन में पिट्यूटरी नाम की ट्यूमर थी। तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप इधर आइए। फिर इधर आने के बाद हमें फिर जांच करके फिर हमारे जो रिपोर्ट है देख के फिर आपका डिसीजन फाइनल करेंगे। थोड़े दिन के बाद उनका फोन आया और ये बताया हमको कि सर हम आपके पास ही ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। जब इतने दूर से गोवा जैसे स्टेट से बॉम्बे क्रॉस करके अगर अहमदाबाद में सिम्स हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहे हैं, तो जरूर ऐसा कुछ होगा जो हम कर रहे हैं जो सही है, और उनको लगा होगा कि हम सही दिशा में ट्रीटमेंट कर सकेंगे। और फिर हमारा पिट्यूटरी ट्यूमर का ऑपरेशन होकर हमारा अभी रिकवरी होकर अभी हम एकदम अच्छा फील कर रहे हैं, वेरी गुड फील कर रहे हैं। और अभी मेरा आँख से देखने का विजन एकदम क्लियर हो गया है। गिरिराज सोलंकी का हमने नाक द्वारा पिट्यूटरी ट्यूमर का ऑपरेशन किया, बहुत अच्छी तरह से हुआ ऑपरेशन उनका। उनको जो आँख की रोशनी में कमी थी राइट आई में, वो ऑपरेशन के बाद ठीक हो गई। वो खुशी खुशी गोवा गए और फॉलोअप के लिए भी जब भी आए हमारे पास, तब ऑलवेज हमारे बारे में और हॉस्पिटल के बारे में बहुत खुश थे और बहुत अच्छी बात बताते थे। डॉक्टर साहब का बहुत आभार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया है, और इधर के स्टाफ और इधर के सभी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है, सब चीज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। और इधर के स्टाफ सबसे बेस्ट एंड बेस्ट बोले तो इनके ऑपरेशन के स्टाफ है सबसे बेस्ट स्टाफ है, क्योंकि उनकी जो टीम है इज द नंबर 1 टीम।